दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जियो के 666 रुपए का प्लान और 667 रुपए के प्लान के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं इन दोनों ही प्लान का कंपैरिजन करने वाला हूं। दोनों ही प्लान में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होने वाला है और कैसे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोनॉलेज चैनल। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा जियो के 666 रुपए के रिचार्ज प्लान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम इस प्लान की वैलिडिटी की। तो देखिए, इस प्लान की वैलिडिटी आपको मिल जाती है 84 डेज की, और साथ ही 84 डेज के अंदर आपको जो टोटल इंटरनेट डेटा आपको मिलेगा जो कि होगा 128 जीबी इंटरनेट डेटा। तो इस हिसाब से आपको पर डे यानी कि डेली 1.5 जीबी इंटरनेट डेटा मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। मगर अगर आप 5G एरिया में आते हैं, 5G आपके पास में डिवाइस है, तो आपको डेटा की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। अनलिमिटेड डेटा आपको मिल जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा आपको हर दिन 100 SMS की सुविधा मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप चाहे जितनी भी बातचीत करिए यानी कि अनलिमिटेड वॉइस कॉल की भी सुविधा आपको इस रिचार्ज प्लान के साथ में मिल जाती है। और अब दोस्तों इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ जियो के अदर सब्सक्रिप्शन की, जैसे कि जियो टीवी और जियो सिनेमा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो जियो टीवी है और जो जियो सिनेमा है वो प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, केवल नॉन प्रीमियम ही वहाँ पे जो कंटेंट है उन्हें आप देख सकेंगे जो कि बिल्कुल फ्री में आते हैं, प्रीमियम कंटेंट आप नहीं देख सकेंगे। और अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जियो के 667 रुपये रिचार्ज प्लान के बारे में। तो इस प्लान की जो प्राइस है जो कि है 667 रुपये, और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ 666 रुपये रिचार्ज प्लान के साथ में, तो प्राइस में जो डिफरेंस है केवल 1 रुपये का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पे इस प्लान की जो वैलिडिटी आपको मिल जाती है जो कि मिलेगी आपको 90 दिन तक की। तो अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ 666 रुपये रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी के साथ में, तो 6 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको 90 दिन के अंदर जो टोटल इंटरनेट डेटा मिलेगा जो कि मिलेगा आपको 150 GB इंटरनेट डेटा। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 667 रुपये का जो रिचार्ज प्लान है जो कि एक डाटा पैक रिचार्ज प्लान है, यानी कि केवल आपको इसके अंदर 150 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा 90 दिन की वैलिडिटी के साथ में। बाकी के जो अदर सर्विस आपको 666 रुपये रिचार्ज प्लान में मिलते हैं, जैसे कि SMS की सुविधा और यहाँ पे जो अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा अनलिमिटेड 5G डेटा एक्सेस करने के लिए भी आपको 667 रुपये रिचार्ज प्लान में नहीं मिलने वाली है। और अब दोस्तों अगर हम बात करें कि 666 रुपये या फिर 667 रुपये का रिचार्ज प्लान, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा हमें करवाना चाहिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यूज़र की जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपको वैलिडिटी भी चाहिए, SMS भी चाहिए और कॉलिंग करने के लिए भी चाहिए, और साथ ही इंटरनेट डेटा भी मिल जाए यूज़ करने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट है 666 रुपये का रिचार्ज प्लान। मगर जो लोग ऑलरेडी रिचार्ज करा करके बैठे हैं और उनका जो डेली लिमिट इंटरनेट डेटा मिलता है वो जब एक्सक्यूट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे में वो डाटा पैक की तरफ जा सकते हैं जो कि मिलेगा आपको 667 रुपये का। तो वहाँ पे आपको 150 GB इंटरनेट डेटा मिल जाएगा 90 दिन तक के लिए, जिसे आप 90 दिन की वैलिडिटी के साथ में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन जियो के 666 रुपये रिचार्ज प्लान और 667 रुपये रिचार्ज प्लान के बीच में। आई होप की जानकारी आपको मिल गई होगी, और आप कौन सा रिचार्ज प्लान करवाने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। कौन सा प्लान आपको बेस्ट लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही कैसे लगी आपको ये मेरी वीडियो ये भी ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा।